अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को शेयर करूंगा। इस बाइक में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम इस बाइक की अगली ब्रेक प्रेस करते हैं तो इसमें एक चीं कर की आवाज़ आती है, जो कि आजकल बारिशें आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस मौसम में अक्सर अक्सर बाइक्स में ये इशू आता है कि जब भी हम अपनी अगली ब्रेक या पिछली ब्रेक प्रेस करें तो हमारी बाइक में चीं की आवाज़ आती है, जो कि बहुत डिस्टर्ब करती है। इस बाइक में भी ये इशू आ रहा था। चूंकि ये इशू काफ़ी कॉमन है तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ इसका मैं सलूशन शेयर करूं। बहुत इजी है, सारा मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आपने देखा होगा कि अक्सर इसी मौसम में जब बारिश शुरू होती है तो हमारी जो बाइक की आवाज़ होती है ब्रेक दबाने पर, तो वो काफ़ी चीं करके आती है और काफ़ी डिस्टर्ब करती है। सिर्फ एक आधी बाइक में नहीं, ये अक्सर जब भी आप रोड पर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई बाइक का ये मसला आपको नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको उसकी आवाज़ चेक कराता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है और कैसे ये मुझे कितना तंग कर रही है। उसके बाद मैं इसको खोल के आपको इसका हल बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है। अगली ब्रेक हो या आपकी बाइक की पिछली ब्रेक हो, दोनों का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, आप दोस्तों ने वीडियो एंड तक देखनी है, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप इसकी आवाज़ चेक करें। तो फ्रेंड्स, इस आवाज़ को ठीक करने के लिए हमें अपना टायर खोलना पड़ता है। उसको खोलने के लिए सबसे पहले हमने फोर साइड स्क्रू ड्राइवर लेना है और हमने ये अपना बोल्ट खोलना है। ठीक है, ये हमने पेज खोलना है। अगर न्यू मॉडल है तो ये पेज होगा नहीं, सिंपली आपने इसको यहाँ से दबा के आपने बाहर खींच लेना है, लेकिन ज़्यादातर बाइक्स में पेज होता है। इसको मैं खोलता हूँ। इसको सिंपली आपने बाहर खींच लेना है, आज़ाद छोड़ देना है। अब आती है बारी इस केबल की, इसको लगेगी 14 नंबर की। ठीक है, तो ये देखिए खुल गया है। तो इसको आपने ऐसे बाहर खींच लेना है। एक मिनट, ये जरा, ये स्प्रिंग होता है और एक ये इसके इस तरह की होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स केबल को उतारने के बाद आपने वो भी लेनी है 14 नंबर की अपनी स्पैनर, और इससे आपने ये बोल्ट खोलना है। ठीक है, इसको लूज करते हुए हम इसे खोलते हैं। इसको अपने यहाँ से ऐसे करना है, ठीक है, और वहां से खींच लेना है। ठीक है, तो ये देखिए ये बाहर आ गया। अब सिंपली आपने अपने टायर को यहां से खोल लेना है। ठीक है, ये देखिए ये आपकी आ गई हब, हमारा सारा काम इस पर है। अच्छा, मैं आपको टिप तो बताऊंगा, उससे पहले ये हमारी गाड़ी आ गई मीटर की। आपने इसको, ये हिस्सा है, इसको इसको आपने कपड़े से अच्छे से साफ करना है। अगर आपकी सर्विस जो है ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ हुई है तो आप इसको रेग मार थोड़ा सा मार लें, अगर आपके पास है ऐसे मार कर तो इसको साफ कर लें। लेकिन ये इसकी आवाज़ नहीं होती, इसकी भी थोड़ी बहुत होती है लेकिन ज़्यादा इसकी नहीं होती। इसको आपने साफ कर लेना है। अब हमारा सारा काम है वो हमारा काम है इस पर। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेन हमारी साउंड होती है, जो ये आवाज आती है, वो इन स्प्रिंग्स की होती है। ये आपको दो स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं, एक ये स्प्रिंग और एक ये। ठीक है, एक ये होता है और एक ये इनकी आवाज होती है। अब इनको आपने ग्रीस लगानी होती है, लेकिन ऐसे नहीं लगानी, पहले आपने इसको साफ करना है, चाहे कपड़े से कर लें या आप इसको बेहतर ये पेट्रोल से करें। इस वक्त मेरे पास पेट्रोल अवेलेबल नहीं है तो आप उससे करें। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले तो आप देख लें कि ये देखिए ये एटलस होंडा के ओरिजिनल है, AHL एटलस होंडा लिमिटेड,
घासी गए हैं, बहुत पहले मैंने धुलाए थे ये, अब मैं दोबारा थोड़े से देखकर इसको चेंज कर दूंगा। अभी आपने सिंपली इसको ऐसे खोल लेना है। तो फ्रेंड्स ये जरा मुश्किल से खुल रहे हैं, वैसे आपके इजीली खुल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली पेज का साइड निकाल सकते हैं, बहुत इजी होता है ये। कि जमे हुए काफी अर्से से मैंने खोल सफाई नहीं की इसकी, मुझे ड्रेन में नहीं आया। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। आपने सिंपली सबसे पहले आपने सब कुछ छोड़ देना है, जो आपकी मेन जो आपने काम करना है ना, वो आपने इन स्प्रिंग्स को साफ करके ना, 1 मिनट, आपने इन स्प्रिंग्स को साफ करके इनके ऊपर आपने ग्रीस लगा के आपने ऐसे बंद कर देना, तो भी ये आवाज खत्म हो सकती है। बेहतर यही है कि आप इनके ऊपर भी थोड़ा सा रेगमान मार मारते हैं, तो और इसको आप अच्छे तरीके से साफ कर लें, ठीक है। अब मैं साफ करता हूँ इसको, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसको ग्रीस लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी हब्सी है, ये मैंने इसको हब पट्टी है जो मैंने दोस्तों इसको मैंने साफ कर लिया है। आप चाहे पेट्रोल से भी अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं, मेरे पास इसको अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने साफ कर लिया है, और इनको इनको आपने देखना है, अगर ये आपकी सरफेस बिल्कुल ऐसे स्मूथ हुई हुई है ना, तो आप इसके ऊपर हल्का सा रेग मार मार लें, ठीक है। इसके ऊपर भी और पहिए पर भी, पहिए के अंदर में जगह होती है, नहीं तो इसको आप ऐसे सिंपली ऐसे साफ कर दें कपड़े से ही। ये देखिए इसको भी, ये कौन सी कंपनी की है मैं आपको बताऊं, ये देखिए यहां से भी गंदा हो गया। यह है AHL, एटलस होंडा लिमिटेड, ठीक है। ओरिजिनल है लेकिन थोड़े घस गए हैं, ये देखिए, और जल्दी साफ हो गए हैं। ये अच्छी जो चीज़ होती है उसका यही फायदा होता है, हर लिहाज से कंपनी ने सोच समझ के बनाई होती है। जो हमारा जो मेन हमारा काम है ना, वो इन स्प्रिंग्स पर है, मेन काम हमारा इन स्प्रिंग्स पर है, ठीक है। अब इनकी बारी, इसको तो आपने लाजमी पटोल साफ करना है ना, क्योंकि अंदर मट्टी जमी होती है, हाथ से भी हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से करना है तो आप पेट्रोल से साफ करें। ये देखिए ये इस तरह से, और ये इस तरह के जो होते हैं होंडा के जो लेदर के स्प्रिंग होते हैं वो काफी लंबे होते हैं, आम जो होती है कंपनी उनके छोटे से होते हैं, ठीक है। अब आपने इस पे सबसे मेन काम क्या करना है, दो स्प्रिंग्स को लेना है आपने इस तरीके से। ये रही हमारी ग्रीस, आपने ऐसे ले लेनी है हल्की सी, और ज्यादा नहीं, ऐसे हल्का सा रखना है आपने चारों तरफ। वैसे मैं इसको लेदर को खोले बगैर भी लगा सकता था स्प्रिंग पर ग्रीस, लेकिन वो फिर चारों तरफ से लगनी नहीं थी। ये देखिए इस तरह चारों तरफ से आप लगा देनी है, और उसके बाद आपने ऊपर ऊपर से उतार देनी है सारी, ठीक है। ये एक हो गया, ये आपने गंदी जगह पर बिल्कुल नहीं रखना है, मिट्टी साथ जम जाएगी। और ये आपका दूसरा स्प्रिंग आ गया, सेम थोड़ी सी ग्रीस लेनी है। अक्सर लोग बहुत ज्यादा लगा जाते हैं तो वो जाया ही हो जाती है, ठीक है। अच्छी वाली तो आपको पता है ग्रीस थोड़ी महंगी आती है, तो ये नॉर्मल क्वालिटी की है। अभी पहले आप एक स्प्रिंग लें, ये सुराख बना हुआ है इस पे ऐसे डालें, और दूसरे लेदर को ये देखिए कि यहां सुराख बना हुआ है इसमें डालें। बन गया ये, आप सेम ये भी आपने करना है। एक यहां से डालना है, और एक इसके नीचे से। ठीक है, इस सुराख में ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब आपने इसको लेकर यहां पर फिट कर देना है, ठीक है।
ये देखिए अपना काम कर रहा है, ग्रीस लगी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब हम इसको फिट करते हैं अपने टायर पर। तो फ्रेंड्स अब आप इसको भी अच्छे तरीके से साफ कर लें। तो मैंने पहले थोड़ा सा किया, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ना, फ्रेंड्स अब आपने ये गाड़ी लेनी है तो मैं एकदम फिर से कह रहा हूँ कि मेरा ये टॉपिक नहीं है गाड़ी का, लेकिन मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा बता दूंगा। मैं इस पर एक अलग डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये इसमें इस तरीके से जाएगी, ये डोर बने थे ना दो, इसमें इस तरह से, और फिर ये ठीक है इस तरीके से। ये देखिए ये यहां से बाहर निकल आया, ठीक है। अब आपने सिंपली ये नट टाइट कर देना है, टाइट नहीं करना, पहले आपने इसको हल्का सा लगाना है, ठीक है। इस तरीके से लगा लिया, अब आपने पहले दोनों अपनी केबल लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टाइट करना है, मैं आप केबल लगाता हूँ इसकी। ये रहा इसका पेज, और ये हम इसको यहाँ पर ऐसे टाइट कर देंगे। ये टाइट होने के बाद अब हमारी ये केबल रह गई है, सिंपली इसको ये रबर थोड़ी पीछे को प्रेस करनी है, और ये इसमें से बैठ जाएगी। फिर आपने लेना है अपना स्प्रिंग, ये देखिए स्प्रिंग लेकर आपने इसको ऐसे गुजारना है, और ये आपकी इसकी गोट सी थी, ये आपने यहाँ पर रखनी है, इस सुराख में से आपने गुजारना है तरीके से। और आपने ये बंद कर देना है, ठीक है। अब ये जो नट कितना टाइट करना है, ये हर बाइक का अपना हिसाब होता है। कईयों को लेदर थोड़े वीक होते हैं, कईयों को अच्छे होते हैं, कोई अच्छे परचेज करते हैं, कोई हल्के परचेज करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से वक्ती तौर पर आपको टाइट करें जितना करना है। उसके बाद फिर मैं अपनी बाइक के हिसाब से इसको टाइट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ब्रेक और एडजस्ट करने के बाद अब आपका मेन काम क्या है, आपने इस पहिए को अगली साइड पर जोर से घुमाना है, जोर से घुमाना है, और आपने ये ब्रेक प्रेस करनी है, ब्रेक प्रेस करके रखनी है, और फिर आपने इस नट को पूरा टाइट कर देना है, ठीक है। मैं अब करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं एक ही आदमी हूँ तो मैं उससे ही खुद ही खुद मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। ऊपर से मैं एक हाथ अपना ब्रेक पर रख लूंगा, एक हाथ से मैं टाइट कर लूंगा। ये देखिए मैंने ये जोर से घुमाया, ये मैंने ब्रेक प्रेस की, अब मैं इसको टाइट करता हूँ। ब्रेक छोड़नी नहीं है आपने, ये देखिए अक्सर लोग भूल जाते हैं, आपने ये सारा बंद करने के बाद इस स्प्लिट पिन लाजमी लगानी होती है। मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहां से आपने गुजार देनी है, और फिर प्लास की मदद से एक पॉइंट इस तरफ, एक पॉइंट इस तरफ। इस पर तो मैंने कमर वीडियो बनाई हुई है ना, तो ये आपने लाजमी लगानी होती है।
तो अब मैं आपको इसकी आवाज चेक कराता हूँ कि ब्रेक लगाने पर ये चींची की आवाज आती है या नहीं आती। आप खुद देखिए रिजल्ट। दोस्तों ये देखिए किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आ रही। ये शार्क की थोड़ी सी है, ये शार्क नहीं, शार्क की कवर की थोड़ी सी है, तो ये शुरू से आती है इतनी, ठीक है, कोई आवाज नहीं है। देखिए ये देखिए, तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।